हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची शब्द, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बिना किसी देरी किए। और आज का आपका फर्स्ट जो सिनोनिम्स है वो क्या है, आपका दिया गया है एबंडन। एबंडन मतलब होता है छोड़ना। इसका सिनोनिम्स बहुत सारे मैंने यहाँ पर राइट कर रखे हैं, जैसे लीव, फॉरसेक, गिव अप। फिर है अटेन मतलब प्राप्त करना, गेन, अचीव, गेट, एक्वायर। एडवर्सिटी मुसीबत, कलेमिटी, माइजरी, मिसफॉर्चून। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, एडमिट, कन्फेस, एक्सेप्ट। एड मतलब सहायता, हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंस। अपोलॉजी मतलब क्षमा प्रार्थना, पार्डन, एक्सक्यूज, रिग्रेट। फिर है एडेप्ट मतलब चतुर, एक्सपर्ट, स्किलफुल, प्रोफिशिएंट आपके सिनोनिम्स हैं। ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेव का सिनोनिम्स होगा बोल्ड, करेजस। बिल्ड मतलब बनाना, मेक, इरेक्ट। बारबेरस मतलब होता है असभ्य, अनसिविलाइज्ड, सेव्ज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। बेन मतलब शाप, कर्स हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। बेनिफिट मतलब लाभ, एडवांटेज, गेन, प्रॉफिट। बनिश मतलब देश निकाला, एग्जाइल, एक्सपेल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, लवली, प्रेटी। बोन मतलब वरदान, ब्लेसिंग, फेवर। बियर मतलब सहन करना, इसका हो जाएगा टॉलरेट। फिर आपका है बिजी। बिजी मतलब व्यस्त, इंगेज्ड, एम्प्लॉयड, ऑक्यूपाइड। क्लेमिटी मतलब विपत्ति, एडवर्सिटी, डिसेस्टर, मिसफॉर्चून। चेस्ट मतलब पवित्र या सादा, प्योर, सिंपल। उसके बाद में आपका है 20 नंबर। कन्फेस मतलब स्वीकार करना, एडमिट, एक्नॉलेज। कैंडिड मतलब निष्कपट या सच्चा, स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर आउट स्पोकन। काउंसिल मतलब छिपाना, हाइड, डिस्गाइज। और है कंकर मतलब होता है जीतना, विन, ओवरकम, ट्रिम्फ। कन्विक्ट मतलब अपराधी, क्रिमिनल, गिल्टी। क्लेवर मतलब चतुर, स्किलफुल और टैलेंटेड। करेज मतलब साहस, बोल्डनेस, ब्रेवरी। कन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष, क्लैश, स्ट्रगल, फाइट, स्ट्राइफ। कनिंग मतलब चालाक, विटी, सर्व। कंसर्न मतलब चिंता, वरी, एंग्जायटी। कंसीडरेट मतलब होता है विचारवान, थॉटफुल और रिगार्डफुल। कंटेन मतलब रखना, इंक्लूड, इनक्लोज। करप्ट मतलब भ्रष्ट, डिवेस्ड, डिसनेस्ट, डेमोरलाइज। फिर है कमेंड मतलब प्रशंसा करना, प्रेज, एडमायर, अपलाउड। डिफीट मतलब हराना, कंकर, ओवरकम। फिर है उसके बाद में डिफर मतलब टालना, पोस्टपोन, डिले, सस्पेंड। डिस्कार्ड मतलब होता है त्यागना, रिजेक्ट, अबंडन, गिव अप। डोसाइल मतलब विनम्र, जेंटल, हम्बल। डीड मतलब कार्य, एक्ट, वर्क, एक्शन। डिले मतलब टालना, पोस्टपोन, पुट ऑफ भी इसका हो जाता है डिले का मतलब। फिर है डिस्ट्रेस मतलब मुसीबत, ट्रबल, मिसफॉर्चून। डल मतलब नीरस, बोरिंग, स्टूपिड। डिस्पाइज मतलब घृणा करना, डिसलाइक, स्कॉर्न और उसके बाद में है डिसडैन। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, र्यून, डिमोलिश। डिजेक्शन मतलब उदासी, ग्रीफ, शारो, डिप्रेशन। डिस्टिनेशन मतलब होता है लक्ष्य, टारगेट, गोल, इसके सिनोनिम्स हैं। डिवोटी मतलब भक्त, वर्शिपर और विक्टरी। फिर है डिमिनिश मतलब कम करना, लेसन और रिड्यूस, डिक्रीज। डिसग्रेस मतलब अपमान, डिसग्रेस मतलब अपमान, इसके सिनोनिम्स होंगे डिसऑनर, डिसफेवर, इंसल्ट। डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करना या दिखाना, शो, रिवील। डिसोलेट मतलब होता है निर्जन, सोलिटरी, लोनली, बारेन। डेलिब्रेट मतलब विचारपूर्वक, थॉटफुल, इंटेंशनल, आपके सिनोनिम्स होंगे। इरेक्ट मतलब बनाना, बिल्ड, मेक, अपराइट, रेज। फिर इसके बाद में एफर्ट मतलब प्रयास करना, अटेम्प्ट, ट्रायल। एनिमी मतलब शत्रु, अपोनेंट या फो। उसके बाद में आपका दिया गया है इंटरनल मतलब शाश्वत या फिर एवर लास्टिंग, इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं एंडलेस। स्टीम मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ऑनर। अर्नेस्ट मतलब होता है गंभीर, उत्सुक, ईगर, सिंसियर, सीरियस। फियर्स मतलब भयानक, फियरफुल, वायलेंट। फॉरबिड मतलब मना करना, बैन, प्रोहिबिट, हिंडर। फेटल मतलब घातक, डिडली, लेथल। ग्रीफ मतलब दुख, शारो, रिग्रेट, डिस्ट्रेस। गिफ्ट मतलब होता है उपहार, प्रेजेंट, डोनेशन। हैप्पी मतलब प्रसन्न, फॉर्चुनेट, प्लीज्ड, ग्लाड। ऑनर मतलब भय, टेरर, फियर, ड्रीड। उसके बाद में आपका 64 है आपका अनेस्ट मतलब ईमानदार, फेयर, अपराइट, सिंसियर। फिर है 65 मतलब ह्यूमन मतलब दयालु, काइंड, मर्सीफुल। हम्बल मतलब नर्म, मोडेस्ट, मीक। आइडल मतलब आलसी, लेजी, इनएक्टिव या फिर अनएम्प्लॉयड। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस। पर्डन मतलब क्षमा करना, फॉरगिव, एक्सक्यूज। प्रिवेंट मतलब रोकना, स्टॉप, चेक, रिफेन। सेक्रेड मतलब पवित्र, होली या फिर कंसेक्रेटेड। स्प्लेंडेड मतलब शानदार, ग्लोरियस, ग्रांड या फिर मैग्निफिसेंट। वनिश मतलब अदृश्य होना, डिसअपेयर, टर्मिनेट, इनविजिबल। विक्ट्री मतलब विजय, विन, सक्सेस या फिर कन्क्वेस्ट। वन क्वेश्चन फॉर यू, वॉइस मतलब बुराई, इसका सिनोनिम्स आपके लिए है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।